ठीक है, तो देखो तो मैं जिसको मैं बता रहा हूँ उसको पेपर सीसेट का वैसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो रेगुलर टच में रहा उनके बारे में तो मैं जानता हूँ, अब जो साल भर मेरे से टच में नहीं रहा तो मैं कैसे बताऊँगा किसको, ठीक है। तो मेरे जो टच में है, देखो ध्यान से समझना, जैसे विक्की हो गया, अभी क्लास में नहीं है विक्की, जब भी वीडियो देखेगा तो विक्की को, ठीक है, सबसे पहले विक्की पैसेज ही करना तुम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि लगभग 27 से लेकर 30 के समथिंग पैसे जाएंगे, परंतु तो ये भी चीज़ याद रखना कि एक घंटे में, इस एक घंटे से ज़्यादा मत लेना टाइम, पर एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आराम से करना। तो इस लिस्ट में आ जाएगा विक्की, आ जाएगा इधर सचिन हो गया, ठीक है, सना हो गई, ठीक है। अमित तुमने मैथ में कितना काम कर लिया है? सीसेट में मैंने सारा काम कर लिया है, पैसेज भी मैंने 2 बार पैसेज कर लिए और 3 बार मैथ कर लिए। रीजनिंग के थोड़े बाकी हैं, वो स्टेटमेंट वाले जो नया रीजनिंग है ना उसमें थोड़ा मुझे डर कंफ्यूजन है, डर भी थोड़ा उसमें, ठीक है। पर विक्की हो गया, सचिन हो गया और ये सना हो गई, इन लोगों को सबसे पहले पैसे जी ही करना है पेपर में, ठीक है। इसके अलावा देखो पूजा बची और कौन है, नगीना, काजल, हाँ काजल, काजल को भी सबसे पहले पैसे जी करना है, ठीक है। तो एक घंटे में, उसके बाद में क्या करना है, जो एक 1 आवर जो बचेगा उसमें मतलब छाट छाट के क्वेश्चन करना है तुम लोगों को। मतलब ये मान के चलो कि इधर तुम 30 क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग लगभग 25 के समथिंग तुम्हें क्वेश्चन, या 20 से 25 के बीच में छाट छाट के क्वेश्चन करना है। तो आराम से, बस ये गलत मत करना, छाट छाट के क्वेश्चन करना, 20-25 क्वेश्चन बस इतने, ठीक है। फिर इधर हो गई पूजा, हो गई नगीना, हो गई और कौन बचा, और कोई है, ठीक है, हाँ यही लोग है ना। और अमित, अगर तुम्हारा पैसेज ज़्यादा अच्छा है तो पैसेज करना, रीजनिंग मैथ कम है तो पहले, जिसका जो पार्ट वीक है तो वो बाद में करना, ठीक है। पूजा हो गई, नगीना हो गई, ठीक है, ये दोनों लोग सबसे पहले एक घंटे में 1 आवर में रीजनिंग मैथ करना सबसे पहले छाट के। और याद रख लेना कि इसमें 1 घंटा या 20 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 क्वेश्चन के समथिंग कर लेना आपको, उसके बाद फिर आपको पैसेज की तरफ मूव ऑन करना, ये स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। ये कितना अमित, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मैंने जिसको वो जो इंस्ट्रक्शन दिया है, सोमेश का कुछ अता पता ही नहीं है, वो मेरे को कुछ बताया ही नहीं, मैं कैसे बताऊँगा, जो मेरे रेगुलर टच में रहा तो मुझे पता है किसका क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। तो अमित, अगर तुम्हारा मान लो कि पैसेज पर अच्छा काम हुआ है, रीजनिंग मैथ भी तुम्हारा ठीक है, तो फिर तुम पैसेज पर कर सकते हो पहले काम, फिर उसके बाद जो टाइम बचा रहेगा 1 घंटा उसमें रीजनिंग मैथ के छाट छाट के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मैंने जिसको बोला है वो तो खास तौर से वैसे ही करे, विक्की हो गया, सचिन हो गया, सना हो गई, ये तो खास तौर से लोग सबसे पहले पैसे ही करना, फिर उसके बाद में छाट छाट के रीजनिंग मैथ कर लेना, आज 2023 का अपन करेंगे पैसेज करेंगे, फिर जीएस की जैसी क्लास खत्म होगी फिर वो कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम रहेगा, नए क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये बात समझो। जो भी है आप कर सकते हो वो आपके ऊपर, पर हाँ 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना किसी हालत से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से समझ। तो देखो मैंने बोला था ये नदी जोड़ो वाला इस टाइप का जलवायु का अपन 2011 से करते आ रहे थे पैसेज, मैंने हमेशा बोला है कि ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट में जब अपन नया 2023 का कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो ध्यान से मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ लो और आखिरी 2-3 लाइन पढ़ लो तो एक आइडिया मिल जाता है। तो अपन देखो स्टार्टिंग पढ़ेंगे, हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं, ठीक है। प्रमुख 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 से पहले ही जल की तंगी है, ठीक है, ध्यान से समझना, इसे पता लग गया। 75% जनसंख्या वाले जल की तंगी वाले क्षेत्र में रहती है, बंद कर दे,
75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव। और ये क्वेश्चन है ना जीएस में भी आया था 2023 में, ठीक है। तो इससे पता लग रहा है वाटर क्राइसिस है, ऐसा ऐसा कुछ बात है। अब आखिरी का यहाँ से जो भी पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो पढ़ो। हाँ, यहाँ से देखो, जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। देखो ये चीज़ पकड़ो, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि, और साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरण जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब देखो मेरा एग्जाम में सही हुआ था क्वेश्चन, अब देखो मैंने कैसे किया था, ध्यान समझना। निम्नलिखित खतनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारकों को जल का उचित, ये चीज़ समझो, और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, सबसे लॉजिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और तात्कालिक कार्रवाई का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है। अब देखो इसी से पता लग जाएगा आंसर अपने को, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो, अब आंसर इन्हीं में से होगा, ठीक है। चाहते तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैंने बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चनों में भी सिमिलर ऑप्शन दिया रहता है, तो वही इंग्लिश में पकड़ सकते हो आप या इधर पकड़ लो, ठीक है, हिंदी में पकड़ में आ जाएगा। इधर देखो, देश के सभी नदी तंत्रों को जोड़ने चाहिए, और ये देखो सभी नदी तंत्र याद करो कितनी बार जीएस में आ चुका है, कितनी बार सीसेट में आ चुका है, जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। विशाल, ये गलत, तो ये पूरा गलत हो गया। आगे बढ़ो, जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। इसे तो झगड़ा तो सोचो, कावेरी नदी जल विवाद हो रहा, तो ये तो पक्का विवाद होगा। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और, अभी देखो ये वर्ड पकड़ा करो, इधर भी सेम लॉजिक वाला जो जीएस वाली ट्रिक है वो इधर भी लगती है, और उद्योग जैसे क्षेत्रों को कि जल की मांग की कम, उद्योग जैसे क्षेत्र को कि जल की मांग कम की जानी चाहिए। मुझे बताइए तो कितना नेगेटिव काम हो जाएगा, आप इंडस्ट्री को अगर वाटर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ, ये तो बहुत नेगेटिव काम हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, सबसे पहली बात याद रखना, यहाँ से ये जो अपन याद रखो, जो जीएस में जो ट्रिक है वो यहाँ पे यही पकड़ना है, एक राष्ट्रीय व्यवहारिक, देखो ये पकड़ो इधर क्वेश्चन से ही दिख रहा है, व्यवहारिक विधिक, ठीक है, विधिक होगा तो सारे युक्तियुक्त होगा और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, एकदम 100% यही आंसर आएगा। ये पकड़ो व्यवहारिक, क्वेश्चन में व्यवहारिक लिखा था, अरे मेरा एग्जाम में भी सही हुआ था। अब आ जाओ अगला, ठीक है, ध्यान से समझो। शरम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त है। अब बस समझ में आ गया थीम, इससे बस जरूरत नहीं, अब आगे इधर आ जाओ। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है, और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से एक ऐसी चुनौती जिसे वास्तव में निपटना चाहिए। तो अपन समझ में आ गया, लेबर वेबर की बात कर रहा है और इससे सॉल्यूशन की बात वो कर रहा है। अब देखो ये मेरा भी रियल एग्जाम में सही हुआ था, ध्यान से समझना। अब अपने को पता है कि शरम वरम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अच्छा, शहरी लोगों को ऐसे छोड़ देना चाहिए, और मुझे बताओ कहाँ पर बात की गई है, ग्रामीण क्षेत्र की कहाँ बात की है, सोचो, ठीक है, एक बार नज़र घुमा के देख लेना, कहीं पर बात नहीं की है, ठीक है। आगे बढ़ो, कौशल विकास कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर, ये क्या है, और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। मुझे बताओ कहाँ कौशल की बात चल रही है, कौशल की कहीं पे बात हुई है इसमें, कहीं पे भी बात नहीं हो रही है, आप एक बार स्क्रीन कर लेना, ये देखना आना चाहिए, कहीं पे बात नहीं हो रही। आर्थिक विकास के लिए केवल, अब देखो ये स्पेसिफिक वर्ड गलत होगा, कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान, गलत होगा। आगे देखो, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है, देखो जनरल स्टेटमेंट, अपेक्षा है, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट है। और आखिरी में ये देखो, यहाँ पे वो अपन यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये देखो सुपोषित, ये मिल गया अपने को, कुपोषित भारतीय संज्ञा, इनको संज्ञान लिया जाना चाहिए, एकदम 100% यही आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव चीज़ें पकड़ा करो, आराम से हो जाता है। अब देखो ये पैसेज मेरा सही हुआ था, देखो अब मैंने तो उस टाइम एग्जाम में डायरेक्ट पैसेज पढ़ के किया था, तो हो जाता आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ध्यान देखना। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक है, समझ में आ गया किसके बारे में है,
कम शिक्षित है और संभव था, देखो संभव और पॉसिबल वर्ड बोल रहा है, ऋण और दूसरी बाध्यताओं कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। तो अपने की इसके कमजोरी पता चल गई है। अब इधर आ जाओ, किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं इस बात पर निर्भर है कि उनका इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं, तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह वो देखता है। चलो आ जाओ, इधर इस परिच्छेद के लेखक द्वारा क्या है वो छोड़ो, सर्वोत्तम छोड़ो, अब यहीं से अपने को पकड़ना है। अब देखो ध्यान से समझना, किसानों के बारे में बात हो रही है तो जलवायु परिवर्तन काट दो, कहाँ किसानों के बारे में बात हो रही है। देखो ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा ये, मैं फिर बता रहा हूँ, 2011 से लेकर 2023 तक मेरी वीडियो जो मैंने बनाया है उसके साथ देख लो, समझ में आ जाएगा, यूपीएससी गेम खेलती है। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल और दुष्प्रभाव को कम करने का कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व, क्या बात कर रहे हो। और मुझे बता, सरकार कभी किसी चीज़ को कंप्लीट कर सकती है जब तक जनता की भागीदारी न हो? कभी नहीं कर पाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरोध के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। अरे आपसे ये नहीं पूछ रहा है, किसानों के जोखिम प्रत्यारक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट। अरे देखो ये, देखो यहाँ पे ये देखो सब लिखा है डायरेक्ट। अब देखो ये फायदा होता है, आखिरी की लाइन पढ़ लो, स्टार्टिंग की लाइन पढ़ लो, उसी से आंसर आ जाता है। क्योंकि दुष्प्रभाव को कम करना संभव ही नहीं है। देखो इस टाइप के स्टेटमेंट तो ऐसे काट दो, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, पढ़ना भी नहीं है उसके स्टेटमेंट को, तो ऐसे गलत होता है, इतना नेगेटिव पर बात कर रहा। तो अब आ जाओ इधर, ठीक है, लगातार मेरे कितने 7-8 पैसे सही हुए थे, अब ये पैसेज मेरा सही हुआ था। ध्यान से देखो, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और इसके आगे प्रभावित, एक चीज़ देख रहे हो, सारे एग्रीकल्चर या फिर किससे रिलेटेड आ रहे हैं, जलवायु से, इनसे। और ये इन्वायरमेंट का हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। इसी बीच प्रौद्योगिक परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है, शायद ना हो, ये पकड़ो, पॉसिबल दे रहा है। जैसे दुनिया के पास, अब देखो छोटा पैसे से पढ़ लेना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जैसे दुनिया के पास ये भय विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए, या जो कि जो तापमान के दुष्प्रभाव से पीड़ित रहे, जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं, विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब अपन इग्नोर नहीं कर सकते जो प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप देखो ध्यान से देखना, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है कि या तो बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाए। अरे नहीं, सॉल्यूशन खोजना अपने को। अब देखो ये तो एक्सट्रीम चला गया, एकमात्र काट दो, एकमात्र हाल ही है कि जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर से संबंधित प्रौद्योगिक विकास हो, क्या बात कर रहे हो। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है, यहीं पर समझ में, देखो पढ़ के ही पता लग जाएगा, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। देखो यहीं पर तो देखो, यहाँ देखो उत्सर्जन कम किया जाए क्योंकि तो दुष्प्रभाव पीड़ित रहे, ये बोला जो व्यवसाय अनुचित परिणाम खतरे से बचाव नहीं करते विफल हो जाते हैं, इसे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत से का प्रौद्योगिक परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। ये देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ये चीज़ समझो। अब देखो आगे, ये पैसेज मेरा सही हुआ था, ध्यान से देखना, अभी छोटे छोटे पैसे से पढ़ लिया करो, फायदे में रहोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका रीजनिंग मैथ कमज़ोर है वो ज़रूर पढ़ के, इसलिए बोला उनके लिए एक हावर, जिनका मैंने नाम बोला वो ऐसे ही करना पेपर को। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जन्म लेती है, पता है अपने को, जीवन शैली में सारगर्भी बदलाव से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्या कम हो सकती है, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं, तथापि कुछ देखिए वर्ड पकड़ो, कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्प को चुनने में वहीं सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। मतलब पॉसिबल स्टेटमेंट ही आंसर होगा इसका, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझना, हमें संभव था, देखो पॉसिबल स्टेटमेंट, रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, एकदम। अब देखेंगे ये तो 100% कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिख रहा, पॉसिबल स्टेटमेंट है, सही होने की प्रोबेबिलिटी है, आगे देखते हैं। हमारे पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है, कितनी बार मैंने बोला इंडिविजुअल सरकार कभी कोई चीज़ काम नहीं कर सकती, ये गलत है, और कहीं पर सरकार की बात बोला है कहीं पर भी नहीं बोला। अब आगे बढ़ो, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही उसे पर्यावरणीय समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया जाए, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट काट दो। मतलब खुद ही सोचो ना, मतलब आप जब पढ़ोगे ना, मैं इसलिए बार बार फिर अभी बोल रहा हूँ,
अगर आप 2011 से लेकर 2023 तक जो मैंने वीडियो बनाए वो देख लो और ये स्टेटमेंट को मेरे साथ पढ़ना सीख लोगे तो पता लग जाएगा, पढ़ते या काट दोगे आप। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्य के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्य का तौर तरीके विकसित हो गए हैं। ये तो कोई सोल्यूशन दे ही नहीं रहा, सोल्यूशन चाहिए ना अपने को, तो ये चीज याद रखना। अब आ जाओ इधर, बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फूड हैबिट के बारे में है, ठीक है, बस इतना सा पढ़ो। कुछ वर्ड पॉसिबल स्टेटमेंट आंसर आएगा, ये चीज़ याद रख लें। कुछ का तो बस ये निर्णय है कि वह भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है, तो मतलब लोग अवेयर नहीं है, इससे असंक्रामक रोगों में बढ़ोतरी हो रही है, अपने पता लग गया प्रॉब्लम क्या है। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। बस अपने समझ में आ गया, अब ध्यान से देखना, मतलब कहीं ना कहीं एकदम जो प्रॉब्लम वाली बात होगी उसको अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये पैसेज मेरा सही हुआ था, सार्वभौम बुनियादी आय योजना को, अब भी मुझे बताओ कहाँ है यूनिवर्सल, उसकी बात ही नहीं की गई है पूरे, एक बार जरूर देख लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, हल्का से देखो ऐसे पता फट से पता लग जाएगा। सार्वभौम बुनियादी आय योजना ये कहीं पे भी नहीं दिया, जो नहीं दिया गया तो ऐसे आंसर नहीं होगा। वो गरीबी उन्मूलन के एक तरीके रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए, मुझे बताओ दुनिया भर में कैसे कर दोगे, कोई चीज़ कैसे आप फोर्सेबल, जो भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगी, कैसे लागू कर पाओगे, फालतू की बात बोल रहा है। हमें खाद आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए, एकदम पॉजिटिव बात है, और यही तो बात है कि पोषण नहीं ले रहे लोग, कुछ भी खा रहे हैं। उपयुक्त आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थों को पोषण स्तर समन्वित किया जाना चाहिए, क्या बात कर रहे हो, जेनेटिकल आते बहुत सारे कंट्रीज को अलाउड ही नहीं कर रहे। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना चाहिए, कहाँ बोला है मुझे बताओ, कहीं पे भी बोला है? एक बार जरूर ऐसे स्कैन करने वाली आदत आ जानी चाहिए, ऐसे पॉसिबल स्टेटमेंट की तरफ अपने को जाना है, ठीक है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन, अब देखो ये था दिल्ली गवर्नमेंट का जो ओडीवन वाली स्कीम लगी थी उससे बारे में, ठीक है। शहरों में प्रदूषण की समस्या निपटने के लिए नीति निर्माता सोचते हैं कि वाहनों के लिए सम विषम संख्या योजना के अस्थायी प्रयोग, विद्यालय फैक्ट्री निर्माण कार्यकला को बंद करने और कुछ प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ने की राय है। नहीं, अब देखो ध्यान से यहाँ से पढ़ो, जो वाहन अनिवार्य दृष्टि परीक्षण फिटनेस टेस्ट और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके हैं उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण के स्रोत के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियां हो तो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें। याद रखना हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम पता लगेगी और यहाँ से आपको आखिरी पैराग्राफ से सॉल्यूशन पता लगेगा, तो बता दिया इसमें सॉल्यूशन, अपने को वही आंसर आएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित, ये तो एकदम नेगेटिव अप्रोच हो गई, ठीक है, करना मुश्किल है भाई, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, इसके तरीके मतलब है कि गवर्नमेंट कोई काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो आगे देखो, प्रदूषण की समस्या को सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमानी निर्णय लेने की होती है, क्या बात कर रहे हो, ऐसे शैली होता है। अरे ऐसे मैंने कितने बोला, सॉल्यूशन बताओ, तुरंत फुरंत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, एकदम सही बात है, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा, 100% है, सोचो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना, कितना नेगेटिव अप्रोच है, पढ़ दो, ठीक है, इधर आ जाओ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में अगर है ना, देखो ये होता है अगर आप जैसे मेंस का सिलेबस पढ़े रहोगे तो बस इतना पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं इसका पढ़ने की, डायरेक्ट आ जाओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर जैसे इथिक्स का टॉपिक है ये, अभी इतना सा भी पता होगा ना तो बस उसी से आंसर आ जाएगा, और यही है आंसर। अब देखो ऐसे पढ़ लो, सुचारू निगम शासन संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व तो नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एकदम पॉजिटिव है पैसेज की थीम। एक आधारभूत कारण है कि निगम शासन पूरे विश्व में, निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा की ओर उन्मुख हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में त्वरित संवृद्धि है, प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के बाह्य वित्त पोषण की ओर पहुँच को बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर संवृद्धि और रोजगार होते हैं, तो ये मतलब बता रहा है इसके क्या फायदे होते हैं, ठीक है। निवेश ऐसी जगह निधियन का प्रत्ययन करते हैं जहां प्रकटन के मानक समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारकों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं, अब ध्यान से समझना सर्वोत्तम रूप से। अब देखो अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है, मुझे बताओ इसके बारे में कहां बात कही है, ये बात करा इसके बारे में मेन थीम ये है,
हटो। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, एकदम सही बात है। देखो यहाँ पे इससे अच्छे निधियन का प्रयत्न करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती है इससे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बनती है इनसे, ठीक है। तो ये क्यों होगा, जब भी उसकी अच्छी इमेज बनेगी तभी तो होगा ना। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। नौ, ये काम बात बोला। अब देखो दूसरी बात, देखो दो से एम ऑप्शन है, सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है, नहीं विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अब देखो ये भी मेरा सही हुआ था उस एग्जाम में, तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये अप्रोच अगर आप 2011 से लेकर 2023 तक सारे पैसेज ऐसे पढ़ लोगे, इनका सॉल्यूशन क्या, आंसर आ रहा क्या, कौन से स्टेटमेंट कैसे हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखो ये 2011 का रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो पीटी निकल भी जाता। देखो ये फ़र्क पड़ता है, मैंने ना उस टाइम एग्जाम में देखो ये दो ऑप्शन काट लिए थे मैंने, ठीक है। अब इन दोनों में से मानना था मुझे। अरे ये होता है कि अगर आप पीवाईक्यू को याद रखोगे भाई, की स्टोन का यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो यही आंसर बनेगा, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बायोडाइवर्सिटी छाट लिया था, अपन की स्टोन का जाति का ये क्या हो गया। चलो इधर पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आ गया आ गया। चलो ठीक है, देखो देखो हाथी जो है दृश्य भूमि के वास्तुकार है, ये वन में वर्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं, कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं और अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंस बता रहा है इसके, जिससे कि वे आगे अन्य शाकाहारी पशुओं का निर्वाह उपलब्ध होता है। हाथी पादप फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते मल त्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों पशुओं के लिए पोषण प्रदान करता है, तो कितना इंपॉर्टेंस है। तो कीस्टोन मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है। सूखा पड़ने से धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुँच बनाते हैं, जो दूसरे वन्य जीवों को लाभ पहुँचाता है। तो सारी बात हाथी के बारे में हो रही है, बस इधर आ जाओ। ये क्या हो गया, ये कैसे इधर करने सही हो गया था ना, नहीं हो रहा। चलो इधर पढ़ते अपन ध्यान से, कोई नहीं। अब तो ध्यान देखना, द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड टू बी वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में कहाँ बात कर रहा है, निवास क्षेत्र की सही बात कर रहा, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पेसीज एंड द दे बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, एकदम सही बात है। देखो इसके बारे में सारी यही तो बात बोल रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, यही तो सारी बात। अब इधर आ जाओ, देखो सही होगी, यह आवश्यक है इस टाइप के बड़े याद रखना गलत होते हैं, कि आतियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जीविता वाला विशेष क्षेत्र हो। क्या बात कर रही है, नेसेसरी कंडीशन दे रहे, ऐसे गलत होगा। हाथी को कुंजीशील है कीस्टोन प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं, एकदम 100%। देखो सबके लिए तो फायदेमंद काम कर रहा है ये, वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाए रख, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। देखो ये चीज़ याद रखना, हाथियों में क्षमता होती है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजाति वाले वनों को फिर से बना सके। ये कब से होने लग गए, हाथी कब से जंगल बनाने लग गए। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं है, होता है, मैं फिर बताऊँ। देखो अभी इनको क्वेश्चनों का अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। वो तो मैंने अप्रोच बताई थी कि ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट करने वाले अप्रोच बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। सोचो आज के ज़माने में अपन प्राइवेटाइजेशन को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, तो कचरे के काम गवर्नमेंट करती रहेगी। और हमेशा याद रखना, सरकार को हमेशा गवर्नेंस का काम करना चाहिए, बस ये कभी नहीं गलत। संसाधन पुनः प्राप्ति और पुनः चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से, याद रखो देखो, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, ये तो मतलब बहुत आइडियलिज्म हो गया, दोनों के दोनों गलत होंगे, ये चीज़ याद रखना। ये कौन है, साइलेंट करो अपनी साइड से। तरुणम साइलेंट रखा करो, फिर डिस्टर्ब होती है क्लास। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना। अब देखो नगरीय ठोस अपशिष्ट, अब देखो ये कट जाए, नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, उसको सोचो कलेक्शन करने में कितना रिसोर्स लग जाएंगे, फिर उसका सेग्रेशन करने में कितना कॉस्ट लग जाएगी, फिर उसे वेस्ट टू एनर्जी बनाने में, क्या बात कर रहे हो।
ठीक है, गलत होगा। आगे देखो, जैव मेथेन नगरीय ठोस अपशिष्ट ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका। अब देखो फिर आइडियलिज्म वाली बात कर दिया। नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, मैंने बोला था ना, अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। यही तो मैंने बोला, इसीलिए याद करो जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, एक हरा वाला और एक जो नीला वाला बॉक्स बनाया बैठा कि आप यहीं पर सेग्रेट कर सको, याद है गवर्नमेंट का स्कीम, यही आंसर है। भारतीय नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव नवीकरणीय घटक अपशिष्ट ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त ही नहीं है। याद करो इस टाइप के स्टेटमेंट, जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे अगर डाउट कर रहा है वो हमेशा गलत होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, ये बिना पैसे से पढ़े हो सकते हैं, तो मैंने बता दिया दोनों तरीके, ठीक है। और फिर बता रहा हूँ, जिसको रीजनिंग मैथ वीक है वो सारे पैसेज अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं, एक घंटा ले लेना, कोई इशू नहीं, आराम से करना, गलती कम से कम होनी चाहिए। अब देखो इधर ध्यान से देखना, जैविक खेती के बारे में है, अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है। मुझे क्या, अब देखो ये तो बहुत गलत बात हो गया ना, एकदम नेगेटिव। जैविक खेती जो सोचो, पहली बात ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी नेगेटिव होती तो क्यों सिक्किम, सोचो पूरा स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे दिया। अब सोचो कितने नेगेटिव बात है। अब ये देखो, ये अवेयरनेस की बात है, पीवाईक्यू को अच्छे से माइंड में रखोगे ना, 2018 में क्वेश्चन आया था जैविक खेती का, सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया गया, अगर वो इतना नेगेटिव होता तो सोचो क्यों, किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए हानिकारक है, तो क्यों उसको फिर सरकार इतना प्रमोट करती, कट ऑफ। अब यहाँ पे देखो, जब बिना पैसे पढ़ना तो ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता, बस इतना से याद रखना। चलो आगे बढ़ो, किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है, एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव बात है, क्यों नहीं, इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जरूरत है, अपने लग भी रहा है, एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आगे देखो, देखो ये फायदा होगा, ये कुछ भी जरूरत नहीं होगी पढ़ने के एग्जाम में, ये फायदा होता अगर आप पीवाईक्यू आप करके जाते हो तब। अब देखो ध्यान से देखना, ये देखो दोनों मेरे सही हुए थे, ये भी सही हुआ था, ये भी सही हुआ था मेरा। अब देखो ध्यान से देखना, भारत में जैविक खेती की पारंपरिक खेती के स्थानपन के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो फिर ये नेगेटिव स्टेटमेंट, अरे जैविक खेती को तो अपन पूरा बढ़ावा दे रहे हैं, सोचो गलत। रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, देखो फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, काट दो। अब देखो ध्यान से, यही फर्क पड़ता है। अब देखो जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करना, ये क्या बात कर दिया, नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। देखो कितना नेगेटिव, देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम सारे स्टेटमेंट कट रहे हैं। अब बचा क्या अपने पास, यही है, आप ये सही होगा। देखो भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणे बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता जरूरत है, एकदम पॉजिटिव बात है। अब मुझे बताओ ये कैसे, यही होता है पीवाईक्यू जब कर लोगे तब फायदा। अब देखो इसमें कोई जरूरत नहीं, आराम से होगा। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट में भी हो सकता है यूपीएससी ऐसा ऑप्शन लागू कर सकता है आपकी बार कि 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर जहाँ तक चांस तो कम ही है, अपन कर सकता है वो पेपर को डिफिकल्ट बनाने के पास, पर कोई नहीं, अपन जो जीएस में अप्रोच रखते हैं वही अप्रोच यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान से देखना, सतत विकास लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए और, अब देखो और लगा रहा है, गलत बनाएगा, और भुखमरी को पूरी तरह ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, मिटाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि पर, एक धान्य तो ऐसे नेगेटिव होता है, अपरिहार्य है भले ही इसका कुपोषण का समाधान ना हो कितनी नेगेटिव बात है। अब देखो एक कटा, ठीक है, अब इसे ऑटोमेटिक क्या हो गया, 3 सही है अपना, ठीक है। अब देखो 3 सही है, खाद आयोजना विशेष सरकारी नीतियों में पोषण की सुरक्षा का समावेशन आप सके, एकदम सही बात है भाई। अरे सोचो राइट टू न्यूट्रिशन पोषण अभियान चला रही है सरकार, एकदम 100%, ये तो सही है। अब आगे देखो, अब इन दोनों में से अपने को एक सही करना है। अब देखो कुछ वर्ड तो अपने पता जीएस में भी सही होता है, तो सोचना ही नहीं है, आंसर अपना आ गया, अपन पढ़ लेते हैं। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होता है, एकदम सही बात है। ये तो कुछ अगर फसलों पर निर्भर हो जाएंगे तो वो तो कभी भी खतरा हो सकता है ना, मान लो एक फसल में मान लो रोग लग गया, भुखमरी आ जाएगी। वर्तमान एक धान्य कृषि प्रस्ताव के लिए किसान अनेक तरीकों से उपदान सब्सिडी और, देखो जबरदस्ती जोड़ा जा रहा, गलत बनाएगा, सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं और, फिर देखो इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने पर्वती नहीं हुए, क्या बात कर रहे हो, कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है फार्मर के बारे में ये तो ऐसे बोल दे कि फार्मर लोग मतलब कुछ ही काम नहीं करते हैं, फिर बहुत गलत हो गया ना। अब आगे देखो, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ग्लोबल वार्मिंग अपन जानते हैं तो कोई जरूरत नहीं पैसेज पढ़ने की। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो जिसको लगता है पैसेज पढ़ना चाहिए तो पैसेज पढ़ने का, अब देखो छोटे पैसेज पढ़ लेना, कोई इशू नहीं, टेंशन मत लेना, मैंने तीनों अप्रोच बता के रखी है आपको।
अब देखो ये इसका लॉजिक अपन पढ़ते हैं बिना किसी मतलब पैसे पढ़े। भूमंडल तो अपन ग्लोबल वार्मिंग अपन समझ के बहुत ज़्यादा, जैसे अभी जो हो रहा है गर्मी पड़ रही खतरनाक, के कारण वसंत पहले आने लगा है और अब देखो और से जोड़ा पक्का गलत होगा, अधिक लंबे समय तक रहता है। मुझे बताओ कहाँ, जब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो भाई सर्दियाँ भी कम हो गई है, वसंत ऋतु कहाँ से बड़ी हो जाएगी मुझे बताओ। ठीक है अब रुक जाओ एक मिनट, इसको पैसेज पढ़ते हैं पैसेज में क्या दिया है। ठीक है देखो ना कभी कभी ऐसा होगा एकाध क्वेश्चन गलत भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो फिर इसको इसके लिए पैसेज पढ़ ले रहे हैं, स्पेसिफिक है। विज्ञानी ने वसंत गवास शीत ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया। ठीक है उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चता अवधि और दीर्घकालिक वसंत गवास घटित हुए। मतलब ये देखो यहाँ बोल रहा है वसंत की समय सारणी के परिवर्तन से कृषि मत्स्य पालन पर्यटन पारिस्थितिक सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। देखो छोटा पैसे से पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बर्फ कुछ पहले पिघल जाती है इसलिए पक्षी आवास वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती है उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। तो ये दिया हुआ डायरेक्ट इसलिए सही है, भूमंडलीय तापमान के कारण वसंत पहले आने लगा और अधिक लंबे समय तक रहता है, तो ये अपने डायरेक्ट दिया भी है तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो अगला, वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं। अब अपने को ये नहीं बोला है यहाँ पे कि वो अच्छा है या नहीं, बस ये को लौट जाते हैं। नहीं देखो इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते हैं जब से ये बड़ा है तब से, वसंत काल की पारिस्थितिक घटनाएं देर से होती है उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है, तो ये नहीं है यार में उल्टा अच्छा हुआ है तो ये। अब देखो मैंने कितने बोला, जहाँ नोट लगा था ना उसको प्रोबेबिलिटी उसको गलत बना रहा है स्टेटमेंट। अब 90% स्टेटमेंट में यही होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है ये चीज़ समझना। अब यहाँ पे देखो इसमें नोट नहीं लगाया तो प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने की। ठीक है अब आ जाओ इधर देखो, ये जीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूट्रिफिकेशन का यूपीएसन क्वेश्चन पूछा है। अब देखो इसका यही अपन अप्रोच अपनाते पढ़ लेते हैं थोड़ा। नाइट्रोजन उपयोग दर्शकता है इसके माप की, कोई पौधा उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपयोग करता है, इसके विरुद्ध के पीछे प्रदूषण के रूप में क्या बचता है, कि वैश्विक विश्लेषण में बताया गया कि बहुत अधिक उर्वरक इस्तेमाल करने से जलमार्ग और वायु में प्रदूषण बढ़ेगा। तो अपने को पता लग गया ये बात क्या कर रहा है। ठीक है अब इधर आ जाओ, इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत अधिक उत्सर्जन होता है जो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन आवश्यकारी गैस है, और अन्य प्रकार का नाइट्रोजन प्रदूषण होता है जिसमें झीलों नदियों का सुपोषण यूट्रिफिकेशन और नदी जल का संदूषण शामिल भी है। अब देखो इधर देखते हैं अपन ध्यान से समझ रहे हैं। देखो पहले यहाँ से पढ़ो, डी वाला पढ़ो, संश्लेषित उर्वरकों के उपयोग वाली परंपरागत खेती करने की जगह कृषि वानिकी, कृषि पारितंत्र और जैविक खेती की जानी चाहिए। मुझे देखना मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए ना तो एक बार देख लो बस फटाफट, एकदम फटाफट नजर मुझे बताओ कहाँ बात करा, कहीं पे भी देखो ऐसे देखते पता चल जाएगा, जब इसके बारे में बात ही नहीं करा तो ये कभी आंसर नहीं होगा। अब देखो अगला देखो, नाइट्रोजन उनके बारे में बात करा है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का अभिज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। ये तो बोल ही रहा है कि नाइट्रोजन जो होता है जितना अवशोषण करते हैं उतना उसके बाद में ये देखो जलों में चला जाता है नदियों में चला जाता है, वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। अब आगे देखो, संश्लेषित नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता। अब देखो ये कितना नेगेटिव वर्ड है, किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, किया ही नहीं जा सकता। सोचो गवर्नमेंट की वर्क एफिशिएंसी पे नेगेटिव अप्रोच है, खाद उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य, एकदम पॉजिटिव बात है, ताकि इसका यूज अच्छा होना चाहिए जरूरी है, पर इसका यूज अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। ओह माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो आगे पूरा ही है कैसे। सर बुला रहे थे क्या आप? अरे नहीं नहीं, आप लाए, आप अपनी तरफ से उसको बंद करके रखा करो। ठीक है चलो इधर देखो आ गया ये। ठीक है ध्यान से देखो, अब देखो पर्यावरण विषय शब्दावली में धारणीय जीवन शैली और साथ साथ जलवायु न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। देखो ध्यान से समझना, यही आंसर के पार्ट बनेंगे। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक विकल्पों को प्रभावित करते हैं। अभी तक हमारी जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता और करारों में दोनों सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सर्वसम्मत नहीं बनाए पाए हैं। ठीक है अब यहाँ से पढ़ो, जलवायु के विषय में न्याय दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल
अनूप अनुकूलन के लिए अवलंब और हानियों और नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति कहीं अधिक व्यापक धारणा शामिल है। कोई ना, फिर इधर पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। जलवायु न्याय के बारे में बात की गई है, तो ये तो देखो यहाँ पे है, तो ये आंसर बनने की प्रोबेबिलिटी रहेंगी, पर इससे पहले अपन और को पढ़ते हैं। देखो ध्यान देखना, पर्यावरणीय संसाधन पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित और उनका दोहन हुआ है। मुझे बताओ, इसके बारे में अपने को कहीं पे बोला नहीं है, ठीक है? और ये देखो पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है, तो उनका दोहन हुआ यार, एंड लगा रहे तो गलत बनाने की प्रोबेबिलिटी है उसका। वृहद संख्या में जलवायु परिवर्तन के शिकार लोग जलवायु शरणार्थियों की समस्याओं को निपटारा करने का एक आसान मुद्दा सामने है। मुझे बताओ कहाँ जलवायु शरणार्थियों की बात किया गया इसमें? देखो कहीं पे भी जलवायु शरणार्थियों की बात है, कहीं पे भी नहीं है। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार सरसरी निगाह से देख लेना जरूर, जब भी स्टेटमेंट को काट रहे हो आप जरूर देख लेना। जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्रायों में अधिकतर विकसित देशों के कारण हुए हैं। अब देखो ये एकदम स्पेसिफिक दे दिया है, इसलिए उसके बाहर बहन को उनका अंश अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। ये बात सही है, परंतु अपने को क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे बात है जलवायु न्याय के बारे में। जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों समझौतों के नियम में विस्तार से बसा हुआ होना चाहिए। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना इसके बारे में। देखो अभी तक हमारे जलवायु परिवर्तन ने शिखर वार्ता करारों में दोनों सिद्धांत राष्ट्र के बीच सहमति नहीं बन पाए, क्या ये वाली जीवन शैली और जलवायु न्याय के बारे में। न्यायिक अर्थ तो सुपर परिभाषित है, तथापि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके वैज्ञानिक और साथ साथ ही सामाजिक राजनीतिक भी है। अगले कुछ एक वर्षों में यह निर्णय प्रश्न खड़ा होगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पीड़ित व्यक्तियों को अवलंब देने के लिए संसाधन प्रौद्योगिकी विनिमय किस प्रकार से उपयोग में लाए जाएंगे। अब देखो ये वाला चीज़, ये दोनों होनी चाहिए। हमारे जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ताओं करारों में दोनों सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाए, पर इसलिए बनने चाहिए। जलवायु न्याय सभी जलवायु करारों समझौतों नियमों में विस्तार से बसा हुआ होना चाहिए। एक्सेप्टेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। अब देखो आगे देखो, इधर एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। अब देखो छोड़ो, डायरेक्ट अपन करते, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र और समुदाय, मुझे अब देखो, अब देख लो फट से यहाँ पे कहाँ ग्रामीण बोला है, जनजातीय क्षेत्र बोला है, कहीं पे भी नहीं बोला है, काटो ये चीज़ यार, फट से सरसरी निगाहों से देख लेना। समुदाय के स्वामित्व वाली जमीनों को अन्य वृक्षों को खाद देने वाले वृक्षों से बदल देना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद सुरक्षा सुनिश्चित ही नहीं की जा सकती। याद करो इस टाइप के स्टेटमेंट तो हमेशा करते हैं, 99% करते हैं। भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमि और निम्नकृत क्षेत्रों के कृषि वाहन की पद्धतियों में बदल देना चाहिए। अच्छा, यही एक तरीका गरीबों की मदद करने का। अब मुझे बताओ कहाँ पे इसमें गरीबों की बात हो रही है, देख लो एक बार कहाँ हो रहा है गरीबों के बारे में बात है, एक भी वर्ड नहीं है गरीबों के बारे में, काटो। अब देखो ऐसे तो दो सिमिलर ऑप्शन भी दिया रहता है। परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। अब देखो कितना पॉजिटिव बात बोल रहा है, अब देखो कृषि पारितंत्र की बात है, ध्यान से देखना इधर। देखो कृषि भूमि के साथ साथ गैर कृषि भूमि, देखो ये आ गया आधे भूमि चार गादी, जैसे कृषि पद्धतियों को खाद का स्रोत बनाना, खाद उपयोग के तंत्र अनुसार उपभोग सुकर बनाता है, ठीक है। परंपरागत कृषि के साथ अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है, तो ये चीज़ याद रखना। एंटीबायोटिक के बारे में, देखो एंटीबायोटिक देखो ना स्टार्टिंग थीम अगर मालो उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो उसके कर सकते हो। जैसे एंटीबायोटिक के बारे में जीएस में भी एंटीबायोटिक का क्वेश्चन आया था, ये देखो छोटा सा पेसेज है, पढ़ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रतिजैविकों के उपयोग दुरुपयोग और अपसेवन के बारे में जागरूकता आम जानकारी है, जैसे यह है कि मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का क्या असर होता है। प्रतिजैविक निर्माता कंपनियों द्वारा अपने अपशिष्ट को उपचारित न कराने से पर्यावरण पर जो असर होते हैं उनके विषय में अभी तक कुछ भी विस्तार या गंभीरता से बहुत कम चर्चा की गई है, ठीक है। प्रतिजैविक फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण औसत प्रतिरोधी संक्रमण को बढ़ा रहा है। औसत निर्माण संयंत्रों के चारों तरफ औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है, तो मतलब सबको उस प्रॉब्लम के बारे में पता है, ठीक है। उपयुक्त भई प्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। देखो बता रहा है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो बता उसका प्रोटोकॉल लगाओ ना, कहाँ कहाँ सॉल्यूशन चाहिए। चलो ठीक है, मान लो आगे बढ़ते हैं अपन, ये नहीं पता मान लो कि आंसर होगा नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। मुझे बताओ जागरूकता तो पहले से बढ़ी हुई है, देखो जागरूक आम जानकारी है, परंतु कुछ कर ही नहीं पा रहे ना वो, जागरूक करके क्या करोगे। जागरूकता है सबके पास, बात है उसे एक्शन प्रोटोकॉल लेने की, उपचार प्रोटोकॉल होना चाहिए,
ताकि जो नदियों में मालों बहा देते हैं उस पर कुछ कानून होना चाहिए। औसत प्रतिरोधी जीवाणु के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है। औसत निर्माण कंपनी को भीड़ भर कस्बों और शहरों से बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छा तो ग्रामीण गाँव के लोगों को परेशानी दे दो। आंसर ये सोचो, जब ये वाला मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, ये वाला भी सही हुआ था, ओनली मैंने डायरेक्ट पढ़ के किया था। अभी इधर आ जाओ, ठीक है, अब ध्यान से ये समझना, ठीक है। अब देखो, पढ़ लो, उच्च गुणवत्ता विद्यालय शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी शिक्षा पूरे कर गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हो, मतलब जब स्किल भी ले लेता है तब स्कूल छोड़ते हैं। जैसे कोई दौड़ने से पहले चलना सीखता है, उसी तरह कोई आधारभूत कौशल को प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर कौशलों को प्राप्त करता है, ठीक है। ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियाँ सामने आई है, अशिक्षित कार्यबल रखने के गंभीर दुष्परिणामों में से वह एक यह है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलने में असक्षम हो गए। एकदम सही बात है। तो प्राथमिक स्तर पर सशक्त अधिगम की बुनियाद बनाए बिना उच्चतर शिक्षा कौशल विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकती। एकदम सही बात है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अब देखते हैं, अपन ध्यान से देख रहे हैं। विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता। एकदम सही बात है। अब आगे देखते हैं और स्टेटमेंट, भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता, ये मोदी को बोल देगा स्टेटमेंट, यूपीएससी को उठा के फेंक देगा। मतलब सोचो बीजेपी वाले विश्वगुरु, अरे बोला बन ही नहीं सकता, छोड़ दो, काट दो नेगेटिव स्टेटमेंट, सोच लेना, मतलब ये समझो, ये रियलिटी है भाई। अपन कल मोदी को जाके बोल दो, देखो यूपीएससी वालों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर ये दे दिया कि भारत कभी विश्व शक्ति बन ही नहीं सकता। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट, कि मतलब सोचो यूपीएससी पहली बात कभी करेगा भी नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने में अधिक, अरे क्या बात कर रहे हो, देखो यहाँ पे बोला कि प्राइमरी लेवल पे दो, गलत। विद्यालय के अनेक बच्चों के माता पिता निरीक्षक है और गुणवत्ता पर शिक्षा लागू प्रति जागरूक ही नहीं है, माता पिता की बात भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो, मतलब इंडिया के माँ बाप इतने बेवकूफ है, सोचो ये कितना नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर आगे, तो ये चीज़ हमेशा मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखो, इसी कॉमन टेक्निक से क्वेश्चन सोल्व होते आए हैं और होते रहेंगे। मैं फिर देखो 2011 से करा रहा हूँ, 2023 के क्वेश्चन भी उसी टेक्नोलॉजी से सही हो रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। रात 2024 क्या 2027 जब भी होगा, 2050 में भी एग्जाम होगा, तो इसी टेक्निक से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब आ जाओ इधर ध्यान से देखना, आधुनिक प्रौद्योगिकी है, देखो आधुनिक प्रौद्योगिकी तो पॉजिटिव होगी, सामाजिक संरचना को कमजोर करती, क्या बात करे हो, जीवन को कठिन बना देती है। यार कितनी, मुझे बता जब से स्मार्टफोन आया कितनी चीज़ें देखो, लोग बाहर जॉब कर रहे हैं आराम से, परिवार से जुड़े हुए हैं आराम से, पैसे भेज देते हैं, मतलब सोचो, खुद ही सोचो, कॉमन सेंस सोचने वाली बात है, काटो। आधुनिक जीवन अनिश्चितता और अनंत 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 कठिनाइयों से भरा हुआ है। कितना नेगेटिव बात है ये, तो ये स्टेटमेंट ये दिखाना चाह रहा कि भाई सब सुसाइड कर लो, आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जीवन में, गलत। हमें दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हमें अपने दृढ़ विश्वास का अनुसरण करने की हिम्मत ही नहीं होती है, मतलब सोचो कितने ही लॉजिकल बात कर रहा है भाई, एक व्यक्ति तो होगा कि सभी ऐसे है क्या। छोड़ना ही नहीं, मतलब सोचो, बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब देखो ये भी मेरा सही हुआ था, हमारे जीवन में अत्यंत कम, अब देखो एक कितना पॉजिटिव बात बोला है, पॉसिबल मैंने अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज़ नहीं हो, एकदम सही बात है। अभी ये याद रखना, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत कम दोस्त होते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होता है, जब वो अवेलेबल नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना कठिन हो सकता है, ये बात भी सही है। बहुत ज़्यादा विकल्प है तो आप किसको बात शेयर करोगे, तो ये भी दिक्कत है, एकदम सही बात है, आंसर यही। अब आ जाओ इधर देखो ध्यान से देखना, इकोनॉमी का आ गया, देखो ध्यान से समझ रहे हैं, घरेलू बचत के वित्तीयकरण के संबंध में, ठीक है। निम्नलिखित में कर्म कौन कौन सी प्रतिनिधित्व लोग स्रोतों रूप से प्रतिबंधित करते हैं, मतलब इसका मतलब देखो ये पकड़ लो, अभी इकोनॉमी पढ़ा होगा आपने, मतलब जो डोमेस्टिक सेविंग होती है ना उसको कैसे आप फाइनेंशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में आप देखो, हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यकता, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, अब इसको कैसे गलत कर सकते हो आप, सही है। पारिवारिक अनुसार बने हलों की आवश्यकता, एकदम सही बात है। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवप्रतन आवश्यक है, पॉसिबल स्टेटमेंट है, सारे के सारे सही होंगे, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया है, याद रखना ये चीज। अब आ जाओ इधर देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण, ठीक है, पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बहुत पड़ता है, एकदम सही बात है, याद करो, इसीलिए भारत है ना, अगर आपने पढ़ा होगा अमेरिका हमेशा भारत पे आरोप लगा रहता है कि भारत तो जेनेरिक दवाएं बना रहा है,
तो ये ना जो वेस्टर्न कंट्री जब बहुत दिमाग लगाते हो क्या करें, ध्यान समझना, जैसे कोई दवाई लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद में उसका फिर वापस से कुछ थोड़ा बहुत उसका मॉलिक्यूल चेंज करते हैं, वापस से उसी दवा का पैटर्न लेने का प्रयास करते हैं। तो भारत हमेशा इसके खिलाफ बोलता है कि एवरग्रीनिंग जो होता है हमेशा पैटर्न लेने वो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इससे लोगों को ना, अब देखो ध्यान समझना, वहीं कैंसर की दवा 5 लाख की मिलती है और वहीं जो जेनरिक दवा हो जाती है वो 5,000 रुपये मिलती है, सोचो कितना अंतर है। अरे बात सही है, लोगों के लिए भारी बोझ पड़ता है, 100%, ये तो बहुत सही बात है। और सर ये जो पेटेंट वाले सिस्टम है ना सर, वो हर 10 साल में रिन्यू होता है। हाँ। तो भारत क्या करती है कि वो अलग अलग फॉर्मूला जान लेती है, वो फॉर्मूला जान लेती है और फिर अपना ये जेनरिक दवाएं बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि विदेशी कंपनियों को नुकसान होता है लेकिन भारत के लिए ये अच्छा है। हाँ वही तो बात, अब देखो ये पहला सही होगा तो ऑटोमेटिक ये कट गया अपने को, अब तीसरा पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लेते तीसरा क्यों गलत। अनेक देशों में लोग स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित करने के दौरान जनसाधारण को खर्च वहन करने के योग्य कीमतों पर दवाई उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है, ये पहली बात है नहीं। अब देखो औषधि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है, ठीक है, देखते हैं। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह पेटेंट कराने वालों के अधिकारों, रोगियों की आवश्यकताओं के बीच उपयुक्त संतुलन, ये ज़्यादा अच्छा है ना, तो 1 और 4 आंसर है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इधर आ जाओ, अब ये छोटे छोटे पैसे से पढ़ भी सकते हो, अब देखो ये पॉलिटी के आ गए, अब ये थोड़ा याद रखना, इकोनॉमी पॉलिटी थीम जरूर पता होनी चाहिए, तो पीवाई को जरूर देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। निजता का संरक्षण याद रखो, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी मात्र अधिकारी नहीं है बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। हाँ एकदम सही बात है भाई, सोचो ध्यान से समझो, अगर राइट टू प्राइवेसी है तो आज मैं आराम से सोच सकता है, कुछ विचार करेगा तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगा, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। दूसरी बात अपना जो ये होता है ना पेटेंट राइट, उनके बारे में भी, ठीक है, एकदम सही बात है यार, पॉजिटिव बात बोल रहा है, सही है 100%। निजता और नवप्रधान के बीच एक आधार, एक वर्ड याद करो, जीएस की ट्रिक, ठीक है, सही बात है, मैंने बोला ना देखो निजता राइट टू प्राइवेसी रह रहा है, आज भी सोचेगा, नए नए आइडियाज आएंगे, एकदम सही बात है, लिंकेज होता है, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, पैसेज को मैं फिर बता, 2011 से 20 से प्लस सही होंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर पी वाई क्यू आपने अच्छे से किए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने के पैसे, देखो ध्यान से देखना। स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन ऊंचा है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है, ठीक है, अब देखो एक बार देख लो कि स्कूल और कॉलेजों की बात कर रहा है कहाँ, देखो चलो हाँ बात तो कर रहा है, बढ़ते नामांकन दशा के अंतर्गत इसमें गलत तस्वीर चित्रित होती है, आपने पता लगे गलत तस्वीर, तो ठीक है, अब देखो ये मतलब कन्फर्म नहीं बोलते थे, शिक्षा में क्वालिटी की कमी है क्या है, चलो एक बार पढ़ लो। भारत में यदि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के, देखो बेरोजगारी के बारे में है तो ये ऐसे आंसर नहीं होगा, बेरोजगारी देखो ये आंसर बनेगा, इनमें से बन सकता है, ठीक है। अब देखो ये देखो, शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुखकर हो, बेरोजगारी की बात है, देखो भारत में यदि बेरोजगार दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूलों कॉलेज में बढ़ते नामांकन या दशाओं के अंतर्गत इसमें गलत तस्वीर चित्रित होती है, बताई गई जानकारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित, मैं फिर बताऊँ जहाँ अटक जाओ पढ़ लेना पैसे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, अनुभव आधारित है, जिन्हें उच्चतर रोजगार से चुनौतियों को सामना करना होता है और जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं, माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोजगारी चुनौती कहीं अधिक है और बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर बेरोजगारी चुनौती को और बढ़ा देते हैं, ये बात सही है। आज सबसे ज़्यादा याद रखना पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा बेरोजगार बैठे हैं भारत में। अब देखो विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई, अब ये तो बहुत है, कोई गंध वाला उद्योग ही नहीं है, सोचो कितना एक्सट्रीम नेगेटिव, ये आंसर कभी नहीं देगा यूपीएससी, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे कट गया था, बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए, अब देखो ये आखिरी वाली लाइन, देखा जाना चाहिए, ये बात सही है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़, ये क्वेश्चन मतलब अच्छा है पर कट जाएगा, देखो ध्यान देखो, अब देखो एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो हमें से, ये पकड़ो, ये वांछनीय है, वांछनीय है तो क्या फालतू बात है कि सभी वैज्ञानिकों का दार्शनिक होना भी आवश्यक हो, सभी वैज्ञानिक दार्शनिक हो जाएंगे तो फिर वैज्ञानिक क्या करेंगे, ताकि उनके कार्य लक्ष्य अभिमुख और इस प्रकार समाज के लिए प्रयोजन तथा उपयोगी हो, गलत बात, सभी वैज्ञानिक क्यों होंगे, ठीक है। आगे देखो
क्योंकि राजमर्मक नौकरशाह समाज के लिए ही उत्पाद है। समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में परीक्षण देने पर केंद्रित हो। क्या बात कर रहे हो, बहुत कम उम्र, ये बहुत कम उम्र कैसे डिफाइन करोगे तुम? गलत। अब इधर आ जाओ। इन दोनों आधुनिक राजमर्मगों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में भली भांति प्रशिक्षित होना आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी भूमिका और दायित्व लक्ष्य बेहतर। क्या बात करें, अरे यार उसको साइंटिस्ट ही बना लो एक। तुम बोल रहे हो उसको साइंटिस्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, पॉलिटिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए और दार्शनिक चिंतन भी होना चाहिए। तो फिर मुझे बताओ अपन अलग अलग सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं? अब देखो ये कितना अच्छी बात बोलेगा, ध्यान से देख रहे हैं। ये वांछनीय नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सरकारें अनुभव सिद्ध राजमर्गों द्वारा प्रतिबंधित। एकदम सही बात है। जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी हैं उसमें न मिल जाए जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिव्यक्ति हो और जिनमें बुद्धिमता प्रतिबंधित होता है। एकदम सही बात है। और हमेशा क्या याद रखना, अगर ज्ञानी लोगों को तुम कहीं बैठा दोगे ना तो उस पर नया इनोवेशन करने की क्षमता नहीं रहेगी। पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बुद्धि है और सीखने की क्षमता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है देश के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देख छोटा सा पैसेज है, पढ़ लेना, ठीक है। राज्य के बारे में पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? व्यक्ति सुरक्षा, शरीर मन स्वास्थ्य, सामुदायिक समस्या, स्वतंत्रता। अब देखो कहाँ बात की गई, ध्यान से देखो। परम राज्य का परम लक्ष्य, राज्य परम लक्ष्य स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। अब देखो यहाँ देखो, राज्य का लक्ष्य है बुद्धिसंगत प्राणियों को बुद्धिहीन पक्षों और मशीनों में बदल देना नहीं है। यह लक्ष्य है उनके शरीर को और उनके मन को सुरक्षापूर्वक कार्य करने में सकुर बनाना, ठीक है। यह लक्ष्य है कि लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने, उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना ताकि वे अपनी शक्ति गणना क्रोध छल कपट में नष्ट ना करें, न एक दूसरे के प्रति अन्यायपूर्वक कार्य करें। व्यक्ति सुरक्षा नहीं, शरीर मन स्वास्थ्य के नौ, सामाजिक समस्या की बात नहीं है। कहीं पे भी स्वतंत्रता कहीं पे भी उसकी बात ही नहीं बोला। अरे ऐसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमेशा याद रखना भाई। आर्टिकल देखो ना, लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ना, ये भी एक अच्छी चीज़ है, पर क्या पैसेज में दिए है? पैसेज में क्या दे रहा है? फ्रीडम दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा एक बार जरूर देख लेना। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, हेल्दी फूड ये सब फालतू की बात है, हेल्दी बॉडी ये सब, ठीक है। ये ज़्यादा, चलो इन दोनों में से, दोनों में से एक बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पॉलिटी का है, लिबर्टी याद रखना। स्वतंत्रता नहीं, फ्रीडम नहीं है, ये लिबर्टी है। लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू, याद रखना। स्वतंत्रता वर्ड एक अलग, फ्रीडम अलग और लिबर्टी एक अलग चीज़ होती है राज्य के संदर्भ में। लिबर्टी, अब देखो ये भी हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत नुकसान है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत अंतर हो जाता है भाई। स्वतंत्रता एक अलग चीज़ है, अगर आप पॉलिटी में इसको समझोगे, लिबर्टी एक बहुत बड़ा, लिबर्टी याद रखना एक बड़ी टर्मोलॉजी है, स्वतंत्रता एक छोटी सी चीज़ है। तो ये भी हिंदी मीडियम का नुकसान है, क्या ही करोगे। चलो ठीक है, कंप्लीट हो गया। देखो कितना मिनट लगा, लगभग 7 स्टार्टिंग में, तो 40 से 45 मिनट में आराम से हो जाएंगे। तो कुछ कुछ पैसेज पढ़ भी लिया, कुछ कुछ मैंने एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आराम से हो जाएंगे। जिसने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, मैं तो बता रहा हूँ 30 मिनट में भी होने लग जाएगा। पर मेरा फिर मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना। हाँ, जिनका रीजनिंग मैथ अच्छा है तो वो 30 मिनट में करके भी निकल सकते हो। जैसे मैं मोस्टली ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं ऐसे करूँगा, 1 घंटा 20 मिनट आराम से दूंगा रीजनिंग मैथ को। या देखो मैं फिर बताऊँ, रीजनिंग मैथ वाले भी स्ट्रेटेजी जिसका मैंने नाम बोला है, तो देखो ध्यान से समझना। जिनकी रीजनिंग मैथ कमज़ोर है तो ऐसा भी मत मानो, मेरे वीडियो देख लो एटलीस्ट, जो मैंने 2011 से लेकर 2022 तक करवाई थी, 23-20 वीक कंप्लीट हो ही जाएगा। तो रीजनिंग मैथ के मेरे वो वीडियो देख लो, और मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो कर लो, ठीक है। उसके अलावा जो पैसेज वाला जो काम है 2011 से लेकर 2023 तक मैं करवा दी हूँ, ये कंप्लीट देख लो अच्छे तरीके से, हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं गारंटी बता रहा हूँ, आराम से आप जैसे मान लो 27 आ रहे हैं तो 20 प्लस सही करने लग जाओगे, इसे गारंटी। और जो अच्छे से काम करेगा 25 प्लस भी सही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, होते हैं लोगों के, मैं हकीकत बता रहा हूँ। पर डिपेंड है, हाँ बोलो भैया, मेरे 4 गलत गए हैं इसमें 2023 वाले। सही है, सही है, सही लेवल पे हो। तो तुम्हें इसीलिए तुमने जो बताया है ना उसी एक्यूरेसी से काम किया है, इसलिए मेरे चार मुझे लगता है थोड़ी ठीक करने चाहिए, थोड़ी गलती हो रही उसमें भी। कोई बात नहीं, इतना भी कोई इशू नहीं है, 2-3 गलत भी हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा माना है 20 प्लस जैसे जा रहे हो आप आराम से निकल जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे मान लो कि जिनका कंप्रेंशन अच्छा तो सबसे पहले कंप्रेंशन करना, ठीक है। रीजनिंग में इतना भी कमजोर मत रखना, एक क्वेश्चन भी नहीं बना पाओ। मैंने इतने सारे करवा चुका हूँ, बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, आराम से 20 क्वेश्चन कर लेना रीजनिंग मैथ के, ठीक है। आराम से अपन छाट छाट के करना, जो आ रहा है उसी को करके जाना, ठीक है। तो जैसे इस वीक एंड होगी क्लास में, अगले वीक से सीधे को जो नोट्स दिया हूँ उसे रिवाइज करा दूँ, वही कम से कम 30 क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले, मैं अभी बता रहा हूँ।
30 क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले हैं, तो वो मैं करवा दूंगा, तो आराम से 20 क्वेश्चन करने लायक तुम हो जाओगे। अब जिनका रीजनिंग मैथ अच्छा है तो रीजनिंग मैथ ध्यान समझना, जो मैं ये चीज़ लाइन बोल रहा हूँ, जैसे आप रीजनिंग मैथ कर रहे हो किसी क्वेश्चन को लेकर अटक मत जाना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। देखिए यही दिक्कत मैं फिर बता रहा हूँ, इसे एग्ज़ाम की सबसे मेन जो डिमांड है वो आपकी प्लानिंग है, ये हकीकत में बता रहा हूँ। तो याद रखना जो भी रीजनिंग मैथ पहले करेगा वो अटक मत जाना, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ईगो मत ले लेना कि मेरे से क्यों नहीं बना, मैं तो इसकी पूरी तैयारी करके आई थी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस टाइम वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, आखिरी 5 मिनटों में करना हो जाता है वो क्वेश्चन। तो जो रीजनिंग मैथ करोगे वो छाट छाट के ईजी ईजी क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन कर लेना एक घंटे में, उसके बाद में पैसेज बनाना, फिर उसके बाद में आखिरी में 10-15 मिनट जरूर रखना, उसमें जो रीजनिंग मैथ के आपसे नहीं हो रहे थे एक बार उन क्वेश्चनों को देखना, वो 100% बन जाते हैं। ये मेरा इतने 6 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जो क्वेश्चन आपको उधर नहीं हो रहे थे आखिर में 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, हकीकत में बता रहा हूँ इस एग्जाम के। तो फर्स्ट मत जाना, ये चीज़ सब लोग ये चीज़ याद रखना, छाट छाट के क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन को किसी भी हालतों से 3 मिनट से ज़्यादा मत देना, ये टाइम वॉच और घड़ी को सामने रखना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ 3 मिनट से ज़्यादा मत देना किसी भी क्वेश्चन को, अगर फंस गए ना क्वेश्चन पक्का सी सेट में फेल हो गए, मैं पहले बता रहा हूँ। और जिसने ये अप्रोच अपना ली वो बढ़ता चला गया, कभी फेल नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग मैथ के जो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी, वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बस ये चीज़ याद रखना। तो मैंने 2011 से लेकर 22-23 तक इस पेपर में मैं बताऊँगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जिसको मैंने जो अप्रोच बोला है वो CCET में वही अप्रोच फॉलो करेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। GS का जिस दिन आखिरी क्लास होगा तो GS का मैं बता दूंगा कि कैसे करना होता पेपर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।